नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरदीप दहिया और हमारी YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और हम आपके लिए नई नई टिप्स लाते हैं कि आप घर बैठे कैसे कोई ना कोई चीज़ आप ठीक कर सकते हो। तो आज हम बताएंगे आपको गैस सिलेंडर के बारे में, जो चूल्हा हमारे घर में जलता है वो कम हो जाए तो उसको कैसे तेज किया जा सकता है, उसको फुल करने पर भी वो तेज क्यों नहीं हो रहा, तो आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। ऐसे नई नई टिप्स लेके आते हैं आपके लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम चलते हैं अपने कार्य की ओर। तो जैसे आप दोस्तों देख रहे हो कि ये कम चल रहा है, ये कम चल रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको बंद करके इसका इसको उतार देना है, इसको भी उतार देना है, इसको उतार देना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें घर में थोड़ा, इसमें देखेंगे कि कुछ जमा तो नहीं है। और इस जो ये मैग्नेट है इसको भी देखेंगे कि इसके जो बारीक बारीक आपको शेप दिख रहे हैं, जो बंद तो नहीं हो गए, आपको ये देखना है। फर्स्ट टाइम, पहली बार तो आपने देखना है। मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूँ कि कैसे आप ठीक कर सकते हो वो भी दिखा रहा हूँ, कि कितना तेज कर सकते हो, कम कर सकते हो, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले आपने क्या करना है कि ये देखना है कि कैसे हैं, जैसे इसके हैं कि यहाँ पूरे खुले हैं या बंद पड़े हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा दूध है जैसे उबल गया, इसमें चला जाता है, जल जाता है, तो इसके कन है जो ये बंद हो जाते हैं। तो आगे दिखाते हैं आपको। तो आपको क्या करना है, इसको उल्टा कर लेना है, गैस पीछे से बंद कर देनी है सिलेंडर से, और इसको क्या है कि उल्टा कर देना है। जैसे देखो ये दूध निकल निकल के या कुछ भी निकल के, तो आपने यहाँ से इसको खोल लेना है। ये अच्छे से दिखा देते हैं आपको। ये लो, ये खोल लिया और इसको बाहर निकाल दिया। इसको बाहर निकालेंगे तो जैसे हम देखेंगे यहां से जो आ रहा है, ये शेद, छोटा सा शेद है, इसी में से गैस आती है। तो इस शेद में से जितनी गैस आएगी उतना ही आपका जो गैस की आग है उतनी ही तेज पकड़ेगा। तो कई बार क्या होता है, ये बंद हो जाता है, जैसे ये है शेद है जो आप देख रहे हो, नज़दीक करके दिखा रहे हैं आपको, ये शेद है। तो आपने क्या करना है, एक सुई लेनी है, सुई ले लेनी है, तो इसको इसमें डाल देनी है, अच्छे से इसको साफ कर देना है, शेद जो बंद होता है इसको अच्छे से साफ कर देना है। चाहे तो आप नट खोल के, ये नट होते हैं, नट खोल के भी साफ कर सकते हो। अगर आप इतना नहीं करना चाहते कि दोबारा लगे ना, गैस लीक ना हो आपसे, तो आप ये सुई की मदद से, आप सिर्फ एक सुई की मदद से इसके अंदर डाल के अच्छे से इसको साफ करोगे। ये दिखाते हैं, इसको फिट कर देते हैं दोबारा, ऐसे जो फिट हो जाएगा इसको कस देंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको चलाकर देखेंगे। कैसे चलने लग गए, ऐसे ही चलेगा, अच्छे से चलेगा। आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि उसको सिर्फ साफ करना है। ये देखो, उसके बाद तो आप कम भी कर सकते हो, तेज कर सकते हो, जितना भी चाहो आप कर सकते हो इसको। यही कारण होता है कि कम चलने लग जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने अच्छे से वीडियो को देखा और हमने भी बारीकी से समझाया, आप समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार से हमने गैस को अच्छे से चलने लगा दिया है। ऐसे ही आप घर में आप ठीक कर सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।